करेंगे बड़ी खबर का। बरेली में दर्ज हुई पहली एफआईआर, तो नए कानून के तहत दर्ज हुई एफआईआर, बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। तो आपको बता दें कि आज से 3 नए क्रिमिनल कानून जो हैं वो देश में लागू हो गए हैं। और अब नए कानून के तहत बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पहली एफआईआर दर्ज हुई है। तो नए कानून के तहत दर्ज हुई है एफआईआर, तो इस वक्त की बड़ी जानकारी नए कानून को लेकर आपको बता रहे हैं। नए आपराधिक कानून लाने का मकसद है कि पारदर्शिता और कम समय में लोगों को न्याय मिल सके। और बरेली में इसी तर्ज पर एफआईआर दर्ज हुई है नए कानून के तहत। तो बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, थाना बरादरी में दर्ज हुई है एफआईआर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बरेली से। तो आपको बता दें कि 3 नए क्रिमिनल कानून देश में आज से लागू हो गए हैं, और अब इन्हें धरातल पर भी उतारा जा रहा है। पहले संसद से इस कानून को पास कराया गया था, अब अमलीजामा इसको पहनाया जा रहा है। देश में लागू हो गया है 3 नए कानून, और इसमें धाराएं कम और ज्यादा जो है वो यहां पर की गई हैं। तो आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता के रूप में आने वाले नए आपराधिक कानून में परिवर्तन जो है वो यहां पर किए गए हैं। तो आपको बता दें कि नए कानून के निर्माण से पूर्व सलाह मांगी थी टीम ने, नए आपराधिक कानून पर बेहतर काम किया है। तो अपराधों की परिभाषा, दंड की मात्रा में ज्यादा कोई परिवर्तन यहां पर नहीं हुआ है। तो बीएनएस के तहत ये एफआईआर दर्ज हुई है, तो नए कानून को अब धरातल पर अमलीजामा पहनाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बरेली में दर्ज हुई पहली एफआईआर, तो 3 नए कानून जो हैं लागू हुए हैं, और उसी के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। संवाददाता शुभम पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शुभम, देखिए देश में नए कानून क्रिमिनल के लागू हो गए हैं, और उसी के साथ अब अमली जामा पहनते हुए बरेली में दर्ज हुई पहली एफआईआर नए कानून के तहत। जी बिल्कुल, देखिए कि बरेली में एक मामला दर्ज हो गया है, नई एफआईआर के तहत दर्ज की गई है, और बरेली का एक मामला बताया जा रहा है। बरेली में जो है ये मामला करीब सुशील कुमार है, उनकी तरफ से शिकायत दर्ज की गई है। इसके तहत जनरल जो पूरा मामला है, इसमें बताया गया है कि ये पूरा पूरे मामले में जो है एक्ट जो भारतीय न्याय संहिता करीब 97 सेक्शन के तहत ये पूरी एफआईआर दर्ज की गई है। पूरे मामले में जो बताया गया है कि सुशील कुमार हैं जो निवासी हैं बरेली पीलीभीत के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से बताया गया उनके बेटे उनको लेकर के एक पूरा मामला था, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के जो है जानकारी जुटाई गई और बरेली में इस संबंधित अभी फिलहाल एफआईआर दर्ज की गई। बिल्कुल, तो बरेली में ये पहली एफआईआर दर्ज हुई है, नए कानून के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। तो देश में 3 नए कानून, और देखिए आपको हमने सुबह से जानकारी भी बताई है कि इन नए कानूनों के तहत क्या परिवर्तन जो है वो दिखाई पड़ेगा।